नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग यहाँ पर महेश बदमाल की किताब एनसीईआरटी सार श्रृंखला क्लास 6-12 पढ़ा हूँ, ठीक है। और ये आपका वन लाइनर किताब है, ठीक है। और इस किताब से मुझे आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो कि आपका ये रिविजन वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। और आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय, ठीक है। आपका नेशनल इनकम होगा चैप्टर नंबर 3 आज हम करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आय को हम कंप्लीट करेंगे आज, और आपका चैप्टर नंबर 3 होगा। और हम लोग यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 3 आ गया, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, ठीक है। तो किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। तो आपका किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में उत्पादित वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। और राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय इक्वल टू घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमिटी के अध्यक्ष कौन बने, तो वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त जो है राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमिटी के अध्यक्ष कौन बने थे, तो पीसी महालनोबिस बने थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या था, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या था, तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात एवं जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, ठीक है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर था। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सेविंग सर्वाधिक योगदान करता है, तो भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सेविंग सर्वाधिक करता है, तब का घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका, तो भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा का भौतिक परिसंपत्तियों फिजिकल एसेट्स का है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, तो बिहार का, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादाभाई नौरोजी जी द्वारा वर्ष 1863 में किया गया था, और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड जो में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी, ठीक है। तो आपका जो है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादाभाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1863 में किया गया था, और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो आपका गोवा का। भारत में राष्ट्रीय आय समंको नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया था, तो भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन अपर जो है किसके द्वारा किया था, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस द्वारा किया था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSO का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। हिंदू वृद्धि दर हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है, तो आपका हिंदू वृद्धि दर आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था, तो MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट आपका कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एक खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय जो है से क्या तात्पर्य, तो C+I+G+X-, ठीक है। तो एक खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय तो आपका जो है से क्या तात्पर्य, तो आपका यहाँ पर जो है C+I+G+X-, तो आपका सकल घरेलू उत्पाद GDP बराबर क्या होता है, तो उपभोग, तो सी आपका कंज्यूमर, ठीक है, कंजप्शन प्लस सकल निवेश, ठीक है। तो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस आपका सरकारी व्यय, तो आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर, और आपका निर्यात और आयात, ठीक है। तो आपका निर्यात एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है खुली अर्थव्यवस्था में आपका मतलब, ठीक है, क्योंकि आपका सकल घरेलू उत्पाद का होता है, ठीक है। तो उपभोग जो आपका कंजप्शन
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन, सकल निवेश, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सरकारी व्यय, ग्रॉस स्पेंडिंग और प्लस आपका जो है माइनस में आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो आपका भारत, और अभी आपका न्याय में आपका तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया थर्ड, ठीक है। और मुद्रा स्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकृत जीडीपी को क्या कहा जाता है, तो मुद्रा स्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को जो है शामिल कर संकृत जीडीपी को क्या कहते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जब जीडीपी में मुद्रा स्फीति, मुद्रा संकुचन और इनडायरेक्ट टैक्स आपका मिल जाता है तो इसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से आता है, होता है, ठीक है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो आपका सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर से, मतलब कि टर्शियरी सेक्टर से, ठीक है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बजट, डोमेस्टिक सेविंग्स और डोमेस्टिक सेविंग्स की औसत दर कितनी आकृत की गई है, तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आपका घरेलू बजट, डोमेस्टिक सेविंग की औसत दर आपका, ठीक है, एवरेज रेट कितनी आंकलित की गई है, तो आपका जो है लगभग 30-40% की गई है, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी का क्या है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी का क्या है, तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल मापन है, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1950 में हुई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपका वर्ष 1950 में की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी, तो आपका सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना जो किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी, सी रंगराजन समिति की गई थी। जीडीपी, तो आपका जीडीपी आंकड़ों के आधार पर, तो जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया, तो वर्ष 2011-12, ठीक है। तो जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया, तो वर्ष 2011-12, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर जो है वर्ष 2017-18 करने का प्रस्ताव है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक दिया गया पॉइंट आपका, तो पीसी महालनोबिस, तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बनाया जाता है, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 29 जून को आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स डे बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, कल हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा जो कि आपका होगा आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 4 आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग से होगा, यहाँ पर आपका कुछ अच्छे ढंग से नहीं आए तो इसको अच्छे से कल पढ़ेंगे, ठीक है।